दो थार खड़ी है, एक ये जिप्सी खड़ी है, कौन सी गाड़ी लूं? इसी को डन कर दो क्या आज के लिए, गोवा घूमने के लिए? ये भाई हमारा रूम और ये रहा बीच सामने। तो भाई गुड मॉर्निंग हो गई है, बढ़िया नींद आई कल। सुबह सुबह आ गया भाई तुम्हारा भाई दर्शन करने, व्यू देखने। अब प्यारा व्यू है भाई यहाँ से यार, ये कैफे लाइन से कैफे ही कैफे है। ये मच्छी पकड़ रहा भैया हमारा, पकड़ तो पाया नहीं अभी तक हमारे सामने, हम ये देख रहे हैं। दो थार खड़ी है, एक ये जिप्सी खड़ी है, कौन सी गाड़ी लूं? गाड़ी लूंगा ये वाली थार की। ये मुझसे पूछ रहे ओपन करके दे या क्लोज करके दे, मैंने बोला भाई क्लोज कर दो, ये भी सामान वामान रखना है इसके अंदर, होटल वोटल देखना है तो बार बार सामान वामान कौन देखेगा इनका, क्लोज करके लेके चलेंगे। अरे यार एक दिक्कत है, ये गाड़ी है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मैंने इतने चला ही नहीं है, मैनुअल पे तो हाथ बैठा हुआ, ऑटोमेटिक का इतना देखना पड़ेगा, एक आध बार ऑटोमेटिक चलाई है। भाई तुम्हारा भाई गाड़ी लेके निकल तो गया है भाई, लुक लुक हो रही है। भाई तुम्हारा भाई गाड़ी लेके निकल तो गया पर भाई डर सा लग रहा है यार, ये ना है ऑटोमेटिक पूरी, और ऑटोमेटिक गाड़ी मैंने इतनी चलाई नहीं है, और ऊपर से थार और ऊपर से डीजल, मतलब पंजा दाब तो ऐसे भाग रही है ब्रेक, पर भाई ये मैंने ले तो लिया थार, ये एक दिन की थार की कॉस्ट पड़ी है 4000 रुपये, एक दिन का 4000 रुपये प्लस कहीं से मतलब हमें पिक एंड ड्रॉप सर्विस करवानी हो तो 1000 रुपये अलग है, और 3-4000 रुपये डिपॉजिट लेते। ठीक है भाई जो भी है, अब जा रहा हूँ अपने स्टेशन पे, मुझे दूसरी शिफ्ट थी वो तो उसने जमा करा दी भाई, जिसको जो ऑनर था वहाँ का। गोवा में भाई हाइप बना रही है थाय की, मतलब भाई तुम 7 सीटर भी लोगे ना तो तुम्हें सस्ती मिल जाएगी, पर ये थार का रेट इन्होंने महंगा कर रखा, 2500-3000 में मिल जाती, यही 3500-4000 की कर रखी है भाई। वो ये ना भी मैंने लिए ऑफ वाली कह रहा हूँ, ओपन वाली भाई, इसको मैंने ओपन मैंने करवाया नहीं जान मुझे, क्योंकि अभी सामान वामान रखूँगा इसके अंदर तो वोटो वोटो देखूँगा, तो बार बार सामान की निगरानी करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ओपन रहेगा तो भाई दिक्कत है। अब इसमें यह करूँगा मैं कि भाई ओपन करूँगा इसको, होटल पहुँच के ओपन करूँगा पूरा, फिर ओपन करके ही घूमेंगे इसको थार में। थार ली मैंने इसलिए क्योंकि ताकि ओपन हो जाए भाई, ओपन में घूमे, क्लोज करके घूमनी तो स्विफ्टी बढ़िया थी अपनी, सस्ती की सस्ती और एवरेज की एवरेज देती। अब होटल पहुंच के भाई इसको ओपन करूंगा पूरा, इसका रूफ टॉप निकालेंगे और फिर घूमेंगे बढ़िया अपना। You go.
250 की रेंज पे लेके आया था। बताओ 20 किलोमीटर चला है, इतनी रेंज कैसे कम होगी इसकी। तो भाई तुम्हें होटल दिखा दो, हमारा होटल के एंट्रेंस यहाँ से, और ये देख लो भाई हमारी गाड़ी, हमारी थार है। अफसोस ये रेंट पे है। तो भाई ये देख लो, ऐसा कुछ एंट्रेंस है हमारे होटल का। होटल नहीं कहेंगे इसको, रिजॉर्ट पता नहीं क्या ही कहेंगे, शेक्स है, 20 शेक्स। ये देख रहे हट्स, इनमें से एक हट मेरा है भाई, और सीधा यहाँ से एग्जिट करके जन्नत मिल जाएगी भाई तुम्हें प्रॉपर। यहाँ भाई सारी एक्टिविटी वगैरह हो जाती है, काइंग वाइंग कायाकिंग क्या कहता है जो भी से, और ये आइलैंड वाइलैंड पे लेके जाते हैं सामने कुछ, और उस आइलैंड पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ये देख लो क्या कर रहा है डस्टबिन के पास भाई। अब आज मैं सोच रहा हूँ आज यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फिर कल सुबह निकलूँगा बटरफ्लाई बीच। भाई बटरफ्लाई बीच का मेरा भाई दिल्ली से ही बनता कि मैं गोवा जाऊँगा तो पर बटरफ्लाई बीच जरूर जाऊँगा यार, वो वीडियो में ही देखा है मैंने, लाइव देखना है मुझे। सेट होने वाला भाई, अब मैं तुम्हारा भाई सुबह से नहाया नहीं है गोवा जैसी जगह पर ही नहाया मैं। कहाँ जा रहा है मित्र बन के चले, वहाँ चले। अब तुम्हारा भाई जा रहा है नहाने के लिए, नहाने के बाद कपड़े पहनेंगे। ये भाई जाली वाली गोवा में चल रही है बढ़िया, दिल्ली आके कभी पता नहीं पहन पाऊंगा नहीं पहन पाऊंगा, पर मैं वापस गोवा आऊँगा चंद महीनों में, इसी साल 2024 में अभी फिर वापस गोवा आऊँगा, तब यूज़ में आ जाएगी, अभी तो यूज़ नहीं होगी। कैसे बैठा हूँ मैं एक दिन ये थार की चाबी हमारी होगी, हमारी गाइस हमारी, यूट्यूब की इनकम से लूँगा मैं थार अब, ठीक है। तो भाई तुम्हारा भाई शरीफों की तरह तैयार होके आ जाए भाई सनसेट देखना था मुझे, और नहाने गया था मैं, कुछ ज़्यादा ही नहा लिया, पूरा सेट निकल गया मेरा। ये देखना भाई यहाँ से सनसेट होता है इन दोनों के बीच में से, कहाँ गया यार, लेट हो गया हट। अब भाई वहाँ जाएंगे थोड़ा सा, ये लाइन से कैफे वैफे बना रखे बैठ के, सिटिंग एरिया नाव वाओ बढ़िया, नाव तो नहीं कितना ही नहाएंगे, मैं बढ़िया इन्जॉय करता हूँ। ले भाई गाड़ी तो ले ली है, पर इसको मैंने ओपन नहीं करा था, अब इसको ओपन करने की बारी आ गई है, कर दूँ। बहुत बढ़िया, फेंको अंदर, इस तरफ आ जाओ भाई इस तरफ। कभी मैंने ओपन करी नहीं वैसे थार को, पर कर रहा हूँ, काश मेरे पास भी एक दिन थार हो, काश मैं भी इतना अमीर होता कि मेरे पास थार होती, मुझे रेंट पे लेने की जरूरत नहीं पड़ती थार। वैसे ही ट्रांजिशन बना दूंगा, तुम्हारा भाई लेके आ जाएगा फिर एक क्लिप डालूंगा कि मैं ऐसे बोलता था भाई। भाई आधे घंटे हो गए थार को खोलने के लिए ना, अब जाके थार खुलिए, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था यार, मैंने पैसे काट के वेस्ट करे, अगर ये खुलती नहीं तो फिर तो पैसा वेस्ट है यार। ये देखे ना छत की धूल कहाँ गिर गई तेरी कसम। चलो भाई फाइनली अब ओपन करके चलेगी थार अपनी, एक तो भाई ऑटोमेटिक है ऊपर से। चले भाई देख रहे हो भाई बीच में से निकल के ऐसे ऐसे रास्ते हैं हमारे यहाँ से, फिर जाके हम बाहर निकलेंगे। फॉरनर्स का बीच है भाई ये, रशियन बीच।
यार भाई रात हो गई है, इतना अंधेरा है कि भाई मतलब कुछ नहीं दिख रहा, फटाक चलनी पड़ रही है। रात के भाई 3 बज रहे हैं और 3 बजे मैं बीच पे घूम रहा हूँ, कुछ दिख भी नहीं रहा होगा। भाई घूम क्यों रहा हूँ, नींद नहीं आ रही। रात के भाई 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ मंडरा रहा हूँ, पर भाई मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग योगा वोगा कर रहे हैं रात में। अब भाई यहीं बैठेंगे अपना, तुम जब तक सब्सक्राइब कर दो भाई, कल का दिन अलग से स्टार्ट करेंगे।